मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माना कैंप में जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन किया। लगभग 44.5 करोड़ रुपए की लागत से 27 माह में इस योजना के पूरे होने पर माना कैंप के 3,200 घरों तक पहुंचेगा पीने का साफ पानी। योजना के तहत 2 नए ओवरहेड टैंक बनेंगे, साथ ही लगभग 65,000 मीटर पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। इस योजना से माना कैंप वासियों की भू जल स्रोतों पर निर्भरता खत्म होगी। अभी जल और धन योजना के भूमि पूजन हुआ, लगभग 44 करोड़ का। पेयजल की समस्या खासकर हमारी बहनें हमेशा जूझती हैं, और उस बात को ध्यान में रखते हुए सत्तू भैया ने के प्रयास से ये कार्य स्वीकृत हुआ है। उन्हें मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और उन्हीं के प्रयास से बहुत मुझसे तो हमेशा उनका अधिकार भी है, बड़े भाई भी हैं, और उन्होंने यहाँ कॉलेज के उन्होंने मांग की। अभी एक विधानसभा में 2 कॉलेज और माना कैंप के बारे में सब जानते हैं, इंदिरा जी ने इसे बसाया था, और तब से हमारे माना कैंप लगातार विकास और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो जो सत्तू भैया ने जो प्रस्ताव रखा है कि इंदिरा जी के नाम को स्मरणीय बनाए रखने के लिए, और आप सबका भावनात्मक लगाव भी इंदिरा जी से है, इसलिए इस महाविद्यालय का नाम प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। आप सब भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी है, वहाँ भी आप सब आए, आप सबको निमंत्रण है, धन्यवाद। हाँ बोला थे, हाँ बताओ।